रास लीला भगवान की एक बहुत प्यारी लीला है, लेकिन सुखदेव जी ने रास लीला को बहुत संक्षेप में बताया, बहुत छोटे रूप में। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग के जीव रास लीला को समझ नहीं पाएंगे, वो इस लीला को काम की दृष्टि से देखेंगे। देखते ही है, जाने अनजाने में हम इस शब्द का प्रयोग बहुत ही गलत वाक्यों में करते हैं कि नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप अपने देश की इज्जत नहीं करते, बाहर वाला भी नहीं करता। जब तक आप अपने परिवार की इज्जत नहीं करते, बाहर वाला भी नहीं करता। इसी प्रकार जब तक आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करते, बाहर वाले भी नहीं करेंगे। हम खुद खड़े रहते हैं और जब इस प्रकार की बातें होती हैं, भगवान की लीलाओं का गलत वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, हम भी खड़े होकर हंस रहे हैं। ये अच्छी बात है। आज एक बात बताइए, रासलीला क्या है? सिर्फ लड़के लड़की नाच रहे हैं क्या रासलीला में? वहां बीच में परम पिता परमेश्वर खड़ा है। आप सब इतने दिनों से सब धमाल में नृत्य कर रहे थे, सभी कर रहे थे। विचार करिए, किसी दिन आप ऐसे नृत्य करें और बीच में भगवान आकर खड़े हो जाए, कैसा लगेगा? काम की दृष्टि से देखोगे कि देखो एक लड़का आ गया, खड़े हो गया बीच इतनी औरतों के बीच, ऐसा कहोगे? तो वहां क्यों कहते हो? वहां भी तो भगवान है और आसपास सारे भक्त हैं। और जितनी भक्ति गोपियों ने की है, जितना प्रेम भगवान से गोपियों ने किया है, उतना तो शायद ही किसी ने किया है। हमें तो उससे प्रेरणा लेनी है। तो ये कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये भक्त और भगवान का मिलन है। ये ब्रह्म और जीव का मिलन है। रास लीला भी एक ऐसी ही लीला है जिसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान की बहुत प्यारी लीला है, क्योंकि इस लीला में भगवान भक्तों से मिल रहे हैं, एक साथ अपनी खुशियां मना रहे हैं। नृत्य क्या है? आप कब नाचते हैं? कहते खुशी का सबसे ऊंचा शिखर होता है जब व्यक्ति नाचने लग जाए, जब वो इतना खुश है कि वो खुशी में नाचने लग जाए, झूमने लग जाए, वो खुशी का शिखर होता है कि वो अत्यंत खुश है आज। यानी गोपियां इतनी खुश रहती थी भगवान के साथ, और सिर्फ गोपियां, ग्वाल बाल सब एक साथ रास करते थे, सब इतने खुश होते थे भगवान के साथ। तो हमें भी यही करना है। तो रास का मतलब है ब्रह्म और जीव का मिलन। तो आइए आज रास लीला के दर्शन जरूर करेंगे, लेकिन एक प्रार्थना कि ये दर्शन करने के बाद से एक वचन लेकर जाए कि आज के बाद इस लीला का प्रयोग, इस वाक्य का, इस शब्द का प्रयोग किसी भी गलत मजाक में, गलत वाक्य में नहीं करेंगे।